देखिए, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे हालात किसी को देखने पड़ेंगे। पिछले एक वर्ष से कोरोना चल रहा है, पिछले साल कोरोना हुआ था, उसमें लॉकडाउन भी लगा, लेकिन इस बार कोई सरकार की तैयारी नहीं रही, प्रशासन की तैयारी कोई नहीं है। आप देख लीजिए, हर चौथे घर में, हर तीसरे घर में एक आदमी बीमार है। ना सर बेड मिल रहा है हॉस्पिटल में, ना डॉक्टर मिल रहा है, और ना ही कोई दवाई मिल रही है किसी भी तरह की। तो ये जितने मरीज हैं कहाँ जाएं? सब लोगों ने घर में रख रखे हैं मजबूरी के तहत। अब गैस की इतनी बड़ी किल्लत है कि ऑक्सीजन कैसे दें? ऑक्सीजन है नहीं, और इतने लोगों की मौत हो रही है। कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं, हमारे बराबर में कब्रिस्तान एक बाले मियाँ पे हैं जो सभी लोग उसमें दफनाते हैं। आप ये समझ लीजिए, कम से कम 500 कब्र नहीं है उसमें, और उसमें जगह नहीं बची है। अब सरकार ने शमशान घाट में भी यही पोजीशन है। तो हमने कोशिश की कि भाई हमारी निधि से और भी बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ पर जगह नहीं रही है, क्योंकि इतनी मैयतें आ रही हैं उसमें, कभी आज तक इतनी मैयतें नहीं आई, किसी की तैयारी नहीं थी। हमने कहा, हमने महसूस किया और सोचा, हमने 25 लाख रुपए हमने कहा हमारी अपनी निधि से इसमें कब्रिस्तानों में मिट्टी डलवा दीजिए, जहाँ जहाँ कब्रिस्तानों में ज़रूरत है हमारी विधानसभा में। और दूसरे हमने 25 लाख रुपये हमने गैस के लिए दिए हैं अपनी निधि से, कि गैस 25 लाख रुपए की हमें गैस उपलब्ध करा दीजिए, हम अपने लोगों को फ्री देंगे। तो हमारी सरकार की मदद हम और प्रशासन के सहयोग के लिए हमने ये पैसा दिया है, जनता के फायदे के लिए, इस महामारी से बच सकें। बहुत बुरे हालात हैं। हमने तो सुना था कि कयामत आएगी जब नफ्सा नफ्सी होगी, लेकिन आज हम देख रहे हैं नफ्सा नफ्सी का दौर है, कोई नहीं देख रहा है, सब अपने आप हालात बहुत ख़राब हैं, और कोई कहीं बेड किसी तरह का नहीं है, कोई सहयोग प्रशासन का नहीं है। आप देखिए, यहाँ कम से कम मेरठ की डिमांड जो उसकी ऑक्सीजन की है, कम से कम जो है 30-40 टन कम से कम है, और 15 टन गैस मिल रही है मेरठ को, तो बाकी कहाँ से होगा? और अगर मेरा मानना तो ये है, अगर फील्ड में जाकर देखा जाए तो 70 टन कम से कम गैस मेरठ को चाहिए, और 15 टन सरकार ले रही है। तो बाकी लोग जो मर रहे हैं वो गैस ना होने की वजह से मर रहे हैं, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो रही है। बहुत बुरे हालात हैं। उस हालात में हम पूरी तरह से आवाम के और जनता के साथ हैं हर हाल में। हमने ये महसूस करके 25 लाख रुपये ऑक्सीजन के लिए और 25 लाख रुपए की मिट्टी कम से कम कब्रिस्तानों में डल जाए तो जो कुछ राहत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।